iPhone 14 Pro Ultra Max अनबॉक्स भाई, ये उल्टा हो गया। देखो भाई इतने ज्यादा पैसे में पूरा सेव भी नहीं देते, आधा ही सेव दे रखा है। देखो उसके बाद ये दिया उन्होंने हम लोगों को बहुत मेहरबानी करने के बाद। सो हेलो यार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल चाल है सभी लोगों के। स्वागत है आप सभी लोगों को फिर एक बार यूट्यूब चैनल पे पहाड़ी ब्लॉग पर, वो भी देहरादून शहर से भाई। जैसे कि आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में बता दिया था भाई कि देहरादून जा रहे हैं कुछ पर्सनल काम से। पर्सनल काम क्या है वो आप लोगों को आगे पता चल जाएगा, बता देंगे आप लोगों को जब भी वो पर्सनल काम करने जाएंगे हम लोग। तो फिलहाल अभी भाई सुबह के 8 बज रहे होंगे, सब यहाँ पढ़ने वाले लौंडे हैं तो भाई सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं तो 6:30 बजे उठा और अभी नाश्ता करने की तैयारी है। नाश्ता भी बन गया भाई, सुबह सुबह नाश्ता भी बना दिया है लड़के लोगों ने, हम तो बैठे हुए थे। सो फिलहाल अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर यहाँ से निकल जाएंगे भाई। सबसे पहला काम जो है हमारा वो करने भाई, तो बहुत दूर जाना है हम लोगों को, तो पहले नाश्ता करेंगे फिर निकलते हैं और फिर करते हैं आगे ब्लॉग कंटिन्यू। सो चलिए भाई अभी हम लोग निकल चुके हैं भाई अपनी मंजिल की तरफ और अब विक्रम ढूंढते हैं भाई। विक्रम में बैठ के जाएंगे जहां हम लोगों को जाना है। फिलहाल फौजी भाई यहां से ले रहा है भाई सेब, किसी के घर पे जा रहे हैं हम लोग, वहां के लिए थोड़ा फल फ्रूट लेकर चलते हैं। भाई साहब भीड़ देखो भाई, अभी हम लोग बल्लभपुर चौक पे पहुंच चुके हैं और एक बंदा आ रहा है हमें लेने, कुछ पर्सनल काम है तो पर्सनल काम निपटाते हैं पहले। बहुत चेंज हो गया यार पहले के हिसाब से ना देहरादून। तो भाई दोस्तों अभी पता टाइम कितना हो रहा है, रात के अभी 10:30 बज रहे हैं, 11 बजने वाले हैं और सुबह के बाद भाई अब जाके ब्लॉग शूट हो रहा है भाई। दिन भर घूम रहे थे भाई, दिन भर जो काम जिस काम से हम लोग देहरादून आ रहे थे वो काम कर रहे थे और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो तो हमारा हो नहीं पाया और उसके बाद का जो सेकेंड इम्पोर्टेंट काम था वो काम हम लोगों ने कर लिया, वो भी अब भी रात के 9 बजे तक वो काम हुआ और उसके बाद हम लोग रूम पे पहुंचे। तो वो काम क्या था वो अभी आप लोगों को, वैसे बहुत से लोगों को तो पता होगा और जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को अभी बताते हैं। ये जो थैला दिख रहा है आप लोगों को, इसमें भाई बहुत ही बड़ा सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। मेरे लिए तो क्या है, मैंने तो देख लिया है लेकिन आप लोगों के लिए है। तो कल मैंने एक वो डाला था, क्विज डाली थी कि कुछ नया आने वाला है, कुछ धमाका होने वाला है। तो बहुत से मतलब 90% लोगों ने सही गैस किया था कि मैं क्या चीज लेकर आने वाला हूँ। नहीं तो चलिए भाई दिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले क्या निकल रहा है भाई, सबसे पहले चार्जर निकल रहा है, उसके बाद क्या निकल रहा है जादू की तरह, ये फटे ये फटके में रखी भाई, किसने पाड़ दिया ये भी निकला भाई। इसके बाद क्या निकलेगा भाई देखते हैं। ये देखो भाई कितने साल लग गए भाई, 4 साल लग गए भाई आईफोन के बारे में सोचते सोचते और अब जाके फाइनली भाई आज आईफोन आ चुका है तुम्हारे भाई पहाड़ी के हाथ में भाई। आज मैं फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में, फर्स्ट टाइम तो नहीं, इससे पहले भी मैंने पकड़ रखा है, खोल में रखा है इसको, लेकिन फर्स्ट टाइम ही लगा लो कि फर्स्ट टाइम भाई मेरे हाथ में आईफोन नजर आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोगों को क्या, मुझे खुद ही नजर आ रहा है मेरे हाथ में, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं आईफोन लेकर आ चुका हूँ। और ये आईफोन 14 प्रो अल्ट्रा मैक्स प्रो मैक्स नहीं है, ये सिर्फ आईफोन 14 है जो कि मैं आज ही लेकर आ रहा हूँ। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले घूम पे आके सबसे पहले तो भाई पेट पूजा की, क्योंकि दिन भर घूम रहे थे, खाना भी नहीं खाया था, घूम फिर आके ही खाना खाया भाई अभी। और अब भाई इसके अनबॉक्सिंग करके बताते हैं आप लोगों को कि इसके अंदर क्या क्या झाम ताम है और कैसा दिखता है भाई। मैंने तो देख लिया, एक बार आप लोगों को दिखाते हैं क्योंकि भाई आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है और मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि मैं यूट्यूब के पैसों से लेकर आ रहा हूँ भाई, कुछ थोड़े बहुत मेरी मेहनत के हैं, थोड़ा बहुत कर्जा निकाला है, थोड़े बहुत किडनी बेची है और थोड़ा बहुत भाई यूट्यूब वालों ने मेहरबानी करके पैसे दिए थे, लोगों बचा के रखे थे, तो उससे ही ये फोन लेकर आ रखा हूँ। थोड़ा बहुत जो समोसे बेचे थे, चाउमीन बेचे थे, लोगों को फास्ट फूड खिलाया था गाँव में, तो उससे भाई लेकर आ रखा हूँ मैं ये फोन। तो प्राइस तो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग जाके खुद चेक कर सकते हो। आप लोगों को ऐसा पता ही होगा कि आईफोन 14 128 GB का रेट क्या है, प्राइस क्या है, ऑनलाइन आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो ये कर लिया हमने iPhone 14 अनबॉक्स भाई, ये उल्टा हो गया उल्टा ही नहीं हुआ यार, ये पहले ही निकाल लिया था हम लोगों ने ना, क्योंकि चेक करके लाए वहां से, तो इसलिए पहले ही निकाल लिया था। तो ये रहा भाई, छोटा सा फोन है लेकिन छोटा है, लेकिन भाई साहब जिस हिसाब से इसका प्राइस है ना भाई, छोड़ को बिक जाए नहीं मतलब तो ये उसका बिल रहा, बिल भी मैंने इसी के अंदर रख दिया था भाई। और ये इसके साथ जो इन्होंने टाइप सी नहीं दे रखा है, ये कौन सी केबल बोलते हैं इसे, जो भी बोलते हैं यार, डाटा केबल ही है। बाकी ये जो अडाप्टर है ये अलग से खरीदना पड़ा 1700-1800 का, तो ये पड़ा, इसका प्राइस बता देता हूँ। और उसके बाद ये दिया उन्होंने हम लोगों को बहुत मेहरबानी करने के बाद कि ये आप लोगों के लिए दिवाली का गिफ्ट है, एयरबड्स पता नहीं 150-200 जो ठेले पे मिलते हैं वही दे रखी है,
और ये मैं किसी और को देने वाला हूँ फ्री में। बाकी इसके अंदर कुछ कूड़ा कबाड़ा, ये कूड़ा कबाड़ा ही लगा लो, बाकी कुछ नहीं है। जो है मेन चीज ये है भाई। तो एक बार आप इसको ऑन करके देखते हैं भाई, दिख रहा है वहां से? कैमरामैन जल्दी फोकस करो, देखो भाई इतने ज्यादा पैसे में पूरा सेब भी नहीं देते, आधा ही सेब दे रखा है। देखो पता नहीं सेब भी पका होगा कच्चा होगा। अभी मैंने फोन पूरा चेक भी नहीं किया कि असली है नकली है क्या है भाई साहब। बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, फोन तो फोन ही है। बाकी इसमें सिर्फ कैमरे के पर्पज से मैंने ये फोन ले रखा है। ये देखो बड़े बड़े से दो कैमरे नजर आ रहे होंगे आप लोगों को इसमें। तो अब भाई आगे आप लोगों को विवाड़ की वीडियोस इस वाले कैमरे से देखने को मिलेंगे भाई। इस वाले कैमरे से मैं वीडियोस शूट करूंगा, देखते हैं क्वालिटी में कितना इंप्रूवमेंट होता है और कितनी अच्छी क्वालिटी आ पाती है वीडियो के। पहले तो जिस फोन से मैं अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ उससे भी ठीक ठाक क्वालिटी आ रही थी, लेकिन उसका कैमरा बहुत ज्यादा जर्क मारता था और लैग करता था, इसलिए मुझे आईफोन लेना पड़ा। वैसे मैं कैमरा ले रहा था लेकिन मैंने कहा कैमरे से उतना बेनिफिट नहीं है, कैमरे में मैं सिर्फ वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का ही काम कर पाऊंगा, जबकि मैं आईफोन में बहुत कुछ काम कर सकता हूँ, एडिटिंग में मैं इसी में कर सकता हूँ। तो इसलिए भाई मैंने आईफोन लेने की सोची। और अब इसके बाद भाई 10 साल तक कोई फोन नहीं आएगा भाई, ना कोई कैमरा आएगा। देखते हैं वो यूट्यूब वाले क्या मेहरबान हो जाएंगे, क्या पता ज्यादा पैसे दे दे तो क्या पता अपग्रेड कर भी सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, यही था सरप्राइज, इसीलिए मैं सिर्फ देहरादून इसी को लेने आ रखा था। इतनी महंगी चीज है और किसी और से मंगाएं क्या पता कुछ दिक्कत हो जाए, फिर अगले बंदे के लिए भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। और दूसरा जो अपने साथ वाला बंदा है जिससे आप लोगों ने ब्लॉग में देख लिया है, जो मेरे साथ मतलब मैं उसके साथ आ रखा हूँ, मेरे साथ नहीं मैं उसके साथ आ रखा हूँ, उसका पर्सनल काम था फोन के पीछे, कैमरा पकड़ा रखा है मैंने भाई साहब को। और अब आगे की प्लानिंग हमारी है कि दीपावली आने वाली है, परसों दीपावली है, तो कल हम लोगों को किसी भी हाल में घर पहुंचना पड़ेगा। खाना भी खा लिया, अब सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और 5:30-6 बजे की हमारी बस है। बस की टिकट भी बुक कर लिया हम लोगों ने ऑनलाइन, तो सीधे कल बस में बैठेंगे, सीधे पहुंचेंगे भाई अपने गांव। और आगे का ब्लॉग आप लोगों को गांव का ही देखने को मिलेगा, या तो कल सुबह शायद ब्लॉग स्टार्ट कर लूंगा, तो ठीक है नहीं करूंगा तो गांव में आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाला। तो सो चलिए फिलहाल अभी ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा विवाड़ का। तो अगर आप लोग विवाड़ के यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इसी टाइप से आगे भी अपने भाई विवाड़ की वीडियोस देखते रहना, विवाड़ को सपोर्ट करते रहना। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, गुड नाइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।